Subscribe now to receive new updates every day. जोंटी रोड्स ने सुरेश रैना और रविंद्र जडेजा को बताया सर्वश्रेष्ठ फील्डर्स। आईपीएल में मुंबई इंडियंस के फील्डिंग कोच और साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फील्डर्स में शुमार रह चुके जोंटी रोड्स किसी पहचान के मोहताज नहीं है। क्या आप जानते हैं कि इस पूर्व खिलाड़ी को आज विश्व क्रिकेट में सबसे ज्यादा कौन से फील्डर्स पसंद हैं? तो जवाब है भारत के ऑलराउंडर सुरेश रैना और रविंद्र जडेजा। इन दोनों के बाद तीसरे नंबर पर रोड्स ने न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल को रखा है। फील्डिंग में अनोखे प्रयोग और इसे क्रिकेट का एक अभिन्न अंग बनाने वाले रोड्स द्वारा दो भारतीय खिलाड़ियों का नाम लिया जाना बताता है कि पिछले एक दशक में भारतीय क्रिकेट ने खुद को कितना बेहतर किया है। जोंटी रोड्स फिलहाल स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क में चैंपियंस ट्रॉफी के एक सुपर एनालिस्ट है। भारत और द अफ्रीका के मैच से पहले उन्होंने ओवल मैदान पर मैच के आधिकारिक प्रसारक स्टार स्पोर्ट्स से बातचीत भी की थी। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक रोड्स ने कहा, विश्व क्रिकेट में कौन सर्वश्रेष्ठ फील्डर है यह कहना कठिन है, लेकिन भारत के पास दो बेहतरीन फील्डर्स हैं। सुरेश रैना चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेल रहे हैं, लेकिन मुझे उन्हें फील्डिंग करते हुए देखना बहुत पसंद है। बैकवर्ड पॉइंट पर रविंद्र जडेजा बेहतर खतरनाक हैं। इसके बाद मार्टिन गुप्टिल आते हैं। जब पूछा गया कि भारत के खिलाफ खेलते हुए उनका सबसे यादगार लम्हा कौन सा था, तो रोड्स ने बेहद दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा, डरबन के मैदान में जब मैंने सचिन तेंदुलकर का कैच लिया था, यह मुझे इसलिए याद है कि जब भी मैं भारत आता हूँ तो वे कहते हैं कि सचिन का जो कैच तुमने पकड़ा था वह बाउंस्ड था। रोड्स ने कहा, मैं बहुत जल्दी सब कुछ भूल जाता हूँ। गौरतलब है कि भारत और द अफ्रीका के बीच 11 जून को मैच लंदन के ओवल मैदान पर खेला गया था। टॉस जीतकर भारत ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत बेहद खराब रही और 191 रनों पर उनकी पूरी टीम ऑल आउट हो गई। जवाब में भारत ने बड़ी ही आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। थैंक फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नाउ टू रिसीव न्यू अपडेट्स एवरी डे। एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट। I'm not going to do that.